कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं चिकन पास्ता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ते को हम पानी में उबाल करेंगे। एक बर्तन में पानी को गर्म करेंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा फिर हम एक चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे और एक चम्मच जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब जो है हम पास्ता ऐड करेंगे। 8 से 9 मिनट हम पास्ते को पानी में उबाल करेंगे। अब पास्ते को जो है वो हम छान लेंगे। दूसरी तरफ हम जो है 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब जो है वो हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन लिया हमने। चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, पक जाए, अंदर से गल जाए। हमने चिकन को अच्छी तरह कुक कर लिया है। अब जो है वेजिटेबल ऐड करेंगे हम इसमें, जितने गाजर और बंद गोभी है और साथ में शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब जो है 1/2 टीस्पून जो है हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और फिर रेड चिली सॉस ऐड करेंगे हम लोग। अब जो है टमाटो पेस्ट जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। टमाटो पेस्ट ऐड कर दिए और अब हम पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट जो है हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून और फिर हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम केचप ऐड करेंगे। अब हम साथ ही इसके पास्ता ऐड कर देंगे। अब हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता ऑलमोस्ट तैयार है। हमारा पास्ता कितना अच्छा रेडी हो गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही मज़े का बना है। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो को खैराबाद कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।